नमस्कार दोस्तों, शिव कौन है? ईश्वर है, पुरुष है, या सिर्फ एक पौराणिक कथा है? क्या वो भगवान है, या शिव का कोई और अर्थ है, या सिर्फ ये उन्हीं के लिए उपलब्ध है जो उनकी पूजा करते हैं, उनको ढूंढ रहे हैं या उनकी खोज कर रहे हैं? बहुत सारे गहरे रहस्य हैं जिनका अर्थ मैं आज आपको बताने वाला हूं। शिव का अर्थ क्या है? शिव का अर्थ है जो नहीं है। शिव शून्य है। आज के आधुनिक विज्ञान ने यह साबित कर दिया है कि सब कुछ शून्यता से आता है और शून्य में ही वापिस चला जाता है। इस अस्तित्व के आधार और संपूर्ण ब्रह्मांड का मौलिक गुण एक ही विराटता है, वो है शून्यता। ये मौजूद आकाश गंगाएं एक छोटी मोटी गतिविधियां हैं जो एक फुहार की तरह हैं। इसके अलावा सब कुछ खालीपन है, जिसे शिव के नाम से जाना जाता है। यानी शिव से ही सब जन्म लेता है और सब शिव में ही समा जाता है। यानी सब कुछ शिव से आता है और शिव में ही चला जाता है। शिव अंधकार है। शिव को अस्तित्वहीन बताया जाता है, एक अस्तित्व की तरह नहीं है, उन्हें अंधेरे की तरह बताया जाता है। और मानवता हमेशा प्रकाश का गुण गान करती है, क्योंकि उनके आंखें सिर्फ प्रकाश को देख सकती हैं। और एक चीज जो हमेशा रहती है वो अंधकार है। प्रकाश का अस्तित्व सीमित है। जिसकी शुरुआत हुई है उसका अंत निश्चित है। चाहे आप सूर्य को ले लें, चाहे बल्ब को ले लें, या प्रकाश के किसी भी स्रोत को ले लें, उनका अस्तित्व सीमित है। अंधकार प्रकाश से काफी बड़ी संभावना है। अंधकार में किसी चीज के जलने की जरूरत नहीं। अंधकार हमेशा बना रहता है। अंधकार शाश्वत है। अंधकार सब जगह है और वो एक ऐसी अकेली चीज है जो हर जगह व्याप्त है। अगर मैं अंधकार को दिव्य अंधकार कहूं तो लोग ये कहेंगे मैं शैतान का उपासक हूं। लेकिन सच में अगर आप इसे एक सिद्धांत के रूप में देखें तो आपको पूरे विश्व में एक सृष्टि, पूरी सृष्टि में एक प्रक्रिया के बारे में सबसे ज्यादा स्पष्ट सिद्धांत नहीं मिलेगा। वे आश्चर्य से भर उठते हैं, क्या ऐसा होता है? जब हम शिव की बात करते हैं तो बोलते हैं क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा होता है? उनको भी हजारों सालों से पता है कि ऐसा होता है। भारत का हर सामान्य आदमी इस बात को अचेतन तरीके से जानता है। वे इसके बारे में बातें करते हैं और वे इसका विज्ञान भी नहीं जानते हैं। आदि योगी शिव का अर्थ है पहले योगी, पहला गुरु। दूसरे स्तर पर जब हम शिव कहते हैं तब हम एक विशेष योगी से बात कर रहे होते हैं, जो योगी यानी पहले योगी, जो आदि गुरु यानी पहले गुरु हैं। आज हम जिन्हें योगिक विज्ञान के रूप में जानते हैं उनके जनक शिव ही हैं। योग का अर्थ अपने सिर से पर खड़े होना या सांस को रोकना नहीं है। योग हमारे जीवन का मूलभूत रचना है, जिसमें परम संभावना ले जाने का तरीका है, जिसमें विज्ञान है, जिसमें तकनीकी है। योग विज्ञान का पहला संचार क्रांति सरोवर के किनारे हुआ, जो हिमालय में केदारनाथ से कुछ दूर बर्फीली झील है। यहां आदि योगी ने इस आंतरिक तकनीक का व्यवस्थित विवरण अपने सात शिष्यों को देना शुरू किया और ये सात ऋषि आज सप्त ऋषि के नाम से जाने जाते हैं। ये सभी धर्मों के आने से पहले हुआ था कि लोगों के द्वारा मानवता को बुरी तरह विभाजित करने वाले तरीके तैयार किए जाने से पहले, मानव चेतना को ऊपर उठाने का सबसे शक्तिशाली साधनों को सिद्ध किया और फैलाया जा चुका था। आज मानवता इस तरह से विभाजित है कि उसे फिर से एक करना लगभग असंभव लग रहा है। शिव एक शब्द है, लेकिन इसके अर्थ दो हैं। शिव शब्द का अर्थ है जो नहीं है, और आदियोगी दोनों की ओर संकेत करता है, क्योंकि बहुत से तरीकों से ये दोनों पर्यायवाची हैं। ऐसे देवों के देव महान शिव को मैं सादर नमस्कार करता हूं। जय भोलेनाथ।